क्लब जिंदाबाद जिंदाबाद किसान नेता जिंदाबाद 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 किसान नेता जिंदाबाद 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 इनकलाब जिंदाबाद इनकलाब जिंदाबाद इनकलाब जिंदाबाद 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 किसान का फसल का मोल जादू किसान और मजदूर कि आज हालत इतनी खराब है कि मारे आप बात समझ में नहीं आ रही कि बार कांग्रेस की गाला बीजेपी की गाला दोनों ही सरकार किसान और मजदूर के गेल हो रही है। अठन राज्य सरकार है बठन केंद्र सरकार शेखावाटी की आर्थिक रूप मोदी जी कमर तोड़ दी और अग्निवीर सेना लाके चार चार आपने बढ़िया इनकम को साधन हो और अब राम भी गए लोगो राज के साथ साथ राम भी गए लोगो सिरसों की हालत है। तीन तीन क्विंटल बीघा की सिरसों ही किसान राजी हो रहे आपा का माइन आज शेर सिरसों को नहीं ट्रैक्टर चला रखे है। तो हमारी सरकार से मांग यह है कि इको मुआवजो दियो जा सर्वे किया जा नहीं तो किसान सरकार में बेरा है तो मोदी जी ने भी बेरा हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी को सब पता है कि किसान की ताकत कितनी है क्योंकि किसान दिल्ली में 13 महीने डटे रहे और मोदी जी को घुटनों के बल ला दिया। तो इसमें तो कोई शक नहीं है कि किसान अभी लग रहे हैं लागे के भाई करे भी के उपाय भी के हैं भाई ब्याह है शादी है टाबरा की फीस है अब प्राइवेट स्कूल बिगाड़े आदेश साहब सिरसू काट के देश है अभी बहुत बुरी हालत हो रही है। तो हमारी मांग है कि इको जल्दी से जल्दी मुआवजो दियो जाए जो किसानों का जो ऋण है सोसाइटी का ऋण है वो माफ करो जाए किसान क्रेडिट कार्ड ही बैंक का वह भी माफ करा जाए नहीं तो ये आंदोलन तो बड़ो है गो सरकार ने आ बात चेत लेनी चाहे। जय हिंद जय किसान जय भारत सभी किसान भाइयों प्रताप गुजर छावसरी किसान वर्ग से विलोम करूं मैं मेरी बताऊं कि मेरे 25 बीघा में सिरसू है आज छावसरी पटवारी आज तक यहाँ सुना कि भी गांव में गिरदावरी होगी भी गांव में होगी हमारे गांव में अभी तक कोई पटवारी कोई सरपंच कोई संज्ञान में कौन ले रहे हो तो मैं ही किसान वर्ग ने सारा ने कहना चाह रहा हूँ कम को न्याय हो राजा सी जल्दबाजी मना करो और पटवारी मेहरबान उड़े ही बुला ले सिया और टीम उड़े से ही गठित करो और हर किसान के खेत में जाके न और मुआवजे की बात करा। तो मेरे कहना से बहन यो ही है कि अपनी फसल सिरसू है ना बा क्या के लिए मानो मेरे हिसाब से 80% तो मेरे खेत में खराब हुई है कोई भाई का या शंका हुआ पटवारी का तहसीलदार जी के कोई के भी हुआ तो मेरे साथ चलो मैं उड़े दिखा दे सी हूँ। तो मेरा कहना यो ही है थोड़ा संघर्ष थोड़ो और बढ़ा से आपा या काम चल रहे को नहीं मेरा कहना यो ही है कि संघर्ष ने आपा आज रोक देंगा ना तो क्यों ही को नहीं मिले मैं टीम जा रही है सुनिए मैं अड़ी लू बाटीवाड़े के अपने केड में गई बताऊ तो 15% लेके तो 15% जीरो है कौन ने दे रहा तो मैं बता दू कम से कम भी 50% नीचे मतलब खेती में लिखाए मना कोई भाई लिखा हुआ तो धन्यवाद। देख रहे हो किसान फोक्स चैनल दोस्तों आज बालाजी स्टैंड के ऊपर जो किसान वर्ग है वो काफी संख्या के मायने धरने पर बैठे है कि यो पूरो जो को मामलो है कि फसल में कतो नुकसान है कतो नहीं है ए बताशी आपार आज ये किसान आंदोलन हुआ है आज से 10-15 रोज पहले पाला इतना भारी पड़ा था कि सरसों जो गेहूं सब्जी आदि एकदम नष्ट हो गई। मेरे यहाँ भी पटवारी गिरदावर और एक वो नायब वो गए थे उन्होंने कहा कि पूरा मैं बड़ी जो सरसों अगेती है उसमें तो 50% है और पछेती है उसमें 5% है और हम तो उसका कैलकुलेशन करके और फिर उनका नतीजा निकालेंगे कि कितने परसेंट नुकसान हुआ है। एक मैं ये भी कहना चाहता हूं कि किसान ने बीमा करवाई थी अपने खेत के खसरा नंबर की करवाई थी और आज यहाँ की सरकार ये कह रही है कि हम तो एरिया जैसे तहसील वगैरह हम तो एरिया के मुताबिक उनकी जो ना वो मुआवजा तय करेंगे इसलिए
हमारे साथ अन्याय हो रहा है और हम इस अन्याय को नहीं सहन करेंगे। जय जवान जय किसान। मोहर सिंह किसान छावसरी से। आज किसानों का धरना बड़ा मजबूर होकर के और यहाँ पर बालाजी स्टैंड के ऊपर आया ही और आकी फसल है वह पूरी चौपट हो गई है और सबके आगे है जो कोई भी कुछ दिखाई नहीं दे रहा है किसी को। तो सरकार से मांग कर रहे हैं कि कम से 100% नुकसान है तो उसकी गिरदावरी खेत में जाकर के करवाएं और किसान को उचित लाभ दें। धन्यवाद। आज बालाजी स्टैंड पे धरना दे रहे सभी किसान भाइयों को राम राम, धन्यवाद। मैं बताना चाहता हूँ, वैसे बहुत से किसानों ने जानकारी दे दी है कि आज ये बालाजी स्टैंड पर जो धरना दे रहे हैं वो किसान जो पाले से आज से 10-15 दिन पहले जो पूरी फसल नष्ट हो गई थी, जो 80-90% नष्ट हो गई थी, उसका सही मुआवजा दिलाने के लिए ये लोग अपनी बातों को मनवाने के लिए और सही गिरदावली करवाने के लिए यहाँ बालाजी स्टैंड पे इकट्ठे हुए हैं। मैं बता देना चाहता हूँ कि ये बालाजी का वो स्टैंड है जहाँ किसी दिन और किसी समय 4,000 किसानों ने यहाँ जाम भी किया था और चक्का जाम भी किया था। इसलिए यहाँ के जनप्रतिनिधियों को और यहाँ के पटवारी, यहाँ के तहसीलदार को यह अवगत करवा देना चाहता हूँ, जो किसानों की जो न्याय की बात है, किसानों का जो फसल का जो नुकसान हुआ है, क्योंकि किसान वर्ग एक ऐसा किसान वर्ग है जो इस रबी की फसल पे ही निर्भर करता है, जिसने 6 महीने के लिए किसी ने भी ट्रैक्टर वाले के पैसे देने हैं या किसान का जो मुख्य आय का साधन है वो खेती है और जब खेती में बड़ा नुकसान हो गया तो किसान की ये स्थिति हो गई है कि किसान आत्महत्या करने के लिए मजबूर है। किसान की ये हालत बर्दाश्त नहीं की जाएगी। मैं सभी अधिकारियों को या के जनप्रतिनिधियों को कहना चाहता हूँ कि जल्द से जल्द किसान की जो सरसों को, जो तारामीरा को, जो किसान की सब्जी को नुकसान हुआ है उसका 100% या 70% मुआवजा दिलाने की कोशिश करें। और जो किसान ने जो बैंकों से जो लोन ले रखा है, जो सोसाइटी से लोन ले रखा है, उस लोन को माफ किया जाए, क्योंकि ये फसल पे ही किसान है, वो आश्रित रहता है, किसान फसल पे डिपेंड और आधारित रहता है। सभी किसान भाइयों को राम राम। पुनः अगर हमें बड़ा आंदोलन करना पड़े तो इस किसानों की न्याय और अत्याचार के लिए, किसानों को हक और अधिकार के लिए हम बड़ी लड़ाई लड़ने के लिए तैयार रहेंगे। जय हिंद, राम राम। सबको राम राम। आज जो किसान की हालत है वो सभी जगह वर्धित है, कहने की जरूरत ज्यादा कहने की जरूरत भी नहीं है भाई। सरसों ये जगह बिघा में ही या 2 बीघा में ही वह सारी की सारी दवा की चपेट में आ गई और जगह आगे तो जो हो वो भी जाली हो। बच्चे तो क्यों है कोई नहीं किसान कन बच्चे एक सिर्फ या तो सुसाइड कर ले और या चुपचाप बैठे रहे भी कोई फायदा को नहीं लियो। आंदोलन मनगापन करना जरूरी है और सगला और किसान ही हिसाब से जगह आज बैठा है, हिसाब से बैठा गया तो मुश्किल है मेरे हिसाब से। तो अभी न तो कांग्रेस है न बीजेपी है, अपने के लिए तो आप यार आंदोलन नहीं करांगा जितनी बार आप रोड बद नहीं करांगा तो अपन क्यों कुछ मिल लो। हर किसान की बुरी हालत है, किसान सिर सुज की वहाँ ट्रैक्टर चला दिए ही और बाकी गिरने क्यों बचरियों नहीं है। तो इसलिए मैं तो यही कहूँगी भाई सरकार समय रहते जाग जाए, अगर नहीं जागे तो किसान आपकी दशा करेगा तो सरकार की भी कर देगा। जय हिंद जय भारत। चौधरी मेहताब सिंह। ओके, मामला है वो मामला ये है कि रबी की जो फसल है उसमें सरसों और सब्जी और अगेती जो तो कंप्लीट खत्म हो चुके हैं और रही बात गेहूं और चने की, उसमें भी काफी नुकसान है और इस नुकसान को लेके हम लोग राजस्थान सरकार से मांग करने के लिए, हमारी आवाज उठाने के लिए आए हैं कि किसानों को उसकी जो खर्चा हुआ है फसल का और उससे जो बेनिफिट मिलना था वो वास्तविक मूल्य का मुआवजा मिलना चाहिए। और इसके साथ साथ फसल बुआई के लिए जिस किसान ने फसली ऋण लिया, क्रॉप लोन जिसे बोलते हैं, वो कम से कम इसी फसल के लिए लिया था इसलिए हम चुका नहीं सकते, वो माफ होना चाहिए। बाकी हम पुराना जो मध्यकालीन और लॉन्ग टर्म्स के जो लोन थे वो देने की पोषण में नहीं, उनको स्थगित किया जाए। इन्हीं मांगों के लेके हम आज प्रदर्शन कर रहे हैं और आगे भविष्य में भी अगर हमारी मांगे नहीं मानेगी तो आंदोलन का उग्र रूप भी हो सकता है, चक्का जाम जैसे और बाजार बंद जैसे निर्णय भी हम ले सकते हैं। इतनी संख्या में वहाँ किसान वर्ग इकट्ठे हुए हैं और हमारी मुख्य मांग यह है कि जो गत दिना के माए ई एरिया के माए और ई एरिया में नहीं बल्कि पूरे राजस्थान के माए प्रतिकूल मौसम होने से हमारी फसल पाले से बिल्कुल से नष्ट होगी। अगेती जो सिरसों ही, गेहूं ही, जो हाथ चना बिल्कुल से नष्ट होगा। तो हमारी सरकार से यह मांग है
कि खेत खेत में जाकर के और खेत खेत ने इकाई मान की और देखिए गिरदावरी कराई जाए और जो जितो नुकसान हो रहा है वो किसान में पूरे को पूरे मुआवजे के रूप में दिए जाए। दूसरी हमारी मांग यह है कि जो फसली लोन ले रखे है किसान वर्ग ही वो पूरे को पूरे माफ होने चाहिए। ये यही है कि जो मौसम से जो नुकसान हुआ है किसान ने बिकी भरपाई सरकार के द्वारा करी जाए। मैं मूलचंद करेटा किसान सभा अध्यक्ष उदयपुर वाटी मेज के काम ने लेके बैठे आज एक हफ्ते पहले पारो पड़े हो लगातार तीन दिन बिके माह लोगों की फसल बर्बाद होगी जबकि खास करके सरसों 100% गेहूँ और जो जो का गेता वह 100% खराब होगा चने का फाल आ रहे हो वो खराब होगो। हाँ बाता ने लेके सरकार हुआ गुहार लगा रहे हैं कि तहसीलदार कनू पटवारी गिरदावल कनू और फसल को सही आकलन कराया जा ए लोग सही आकलन कौन कर रहा मौके पर जकी भी टीम जा रही है बाया कह रहे हैं कि 20% नुकसान है 30% है मेज जदबान दिखावा तो एक दानो जद फड़ी में कोनी एक दानो बाल में कोनी तो वो नुकसान 100% है। मैं के बावजूद भी सरकार हर धर्मिता कर रही है ऊपरों प्रेशर है ए आपका आकलन सही कौन दिखा रहा ये बात ने लेके मेरा कह रहा है कि पूरे को पूरा नुकसान है जो दिखाया जा। दूसरो आने वाले टाइम में जो भी क्रॉप कटिंग के ऊपर मारे हुए निवेदन है सरकार हूँ कि क्रॉप कटिंग के माने किसान के मौजूदगी में और किसानों के जनप्रतिनिधियों के मौजूदगी में गांव के सरपंच और सदस्य की मौजूदगी के माने क्रॉप कटिंग करी जाए क्योंकि पूरे क्षेत्र के माने बहुत बड़ा नुकसान हो गया है। ये नुकसान की भरपाई पहले तो सरकार करे वह के बाद में बीमा कंपनी करे ये बात के लिए मैं बैठा। आज जो बालाजी स्टेट पे जो किसान सम्मेलन की जो मीटिंग हुआ है उसमें किसानों का उचित मुआवजा दिया जाए जितनी फसल नष्ट हुई है उनका जो पटवारी और तहसीलदार कलेक्टर से निवेदन है कि उनका मुआवजा उचित 80% से ऊपर दिया जाए। खूब खूब मतलब 100% ही मानो बाढ़ लगवाओगा। हाँ बाढ़ लगाने के लिए तैयार हो रहे मार दो सीरी लेकिन पड़ी रहते। मैं पूर्व सैनिक कल्याण समिति का अध्यक्ष भी हूँ और सहकारी समिति का भी अध्यक्ष हूँ तो मैं ये गांव की तरफ से भाटीवाड़ के तरफ से आया हूँ। कुछ आदमी बूढ़े थे मतलब मौसम भी खराब है फिर भी हम आ करके एक गांव के अंदर 100% नुकसान हुआ है उसको हम जाहिर करने के लिए आए हैं और किसान समिति के अंदर सर्दी से हमारे क्षेत्र की पूरी फसल बर्बाद हो चुकी और बर्बाद होने के कारण किसान आज पीड़ित है दुखी है। किसान अन्नदाता है और अन्नदाता की तरफ से आज सरकार भी मुआवजे के प्रति आनाकानी कर रही है वो अच्छी बात को नहीं। आज फसल सर्दी के कारण पूरी 100% खराब हो चुकी है किसान लोग पहाड़ दुआबा लाग रहे हैं। किसान अन्नदाता है और अन्नदाता ने आज मुआवजो मिलना चाहिए। एक साथ धन्यवाद।